हेलो डियर ट्यूटर्स, दोस्तों आज की वीडियो में अगेन हम एक इंडियन प्लेटफॉर्म, एक इंडियन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम एक ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं। ऑनलाइन जो भी लेक्चर्स ले वो हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रख सकते हैं। बच्चों से हम यहाँ पे फीस कलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम किस्तों में भी फीस कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम बच्चों को ऑनलाइन असेसमेंट दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स की हम ऑनलाइन अटेंडेंस ले सकते हैं। सब कुछ एक ही एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों क्लास प्लस। तो इस क्लास प्लस एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे सब कुछ एप्लीकेशन के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस एप्लीकेशन को सब कुछ मतलब डीप में नॉलेज लेने के लिए आप हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही में आपको बेल पे भी क्लिक कीजिए ताकि हर कोई ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आ जाए तो आपको वहाँ पे क्लिक कीजिए ताकि हर कोई इंफॉर्मेटिव आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप जैसे ही इस एप्लीकेशन यानी क्लास प्लस को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, यानी कि आप टीचर है तो टीचर पर क्लिक कीजिए, अगर आप स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट पर क्लिक कीजिए। अभी ये वीडियो हम टीचर्स के लिए बना रहे हैं तो हम टीचर्स पे क्लिक करेंगे। जब आप टीचर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं या फिर गूगल मीट यूज़ करते हैं या फिर आप जूम का एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऑल इन वन, यानी कि आप चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं या फिर आपको लाइब्रेरी यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे तो आपके इसके फीचर्स आपको दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पे सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ। जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्लास प्लस का जो भी लाइट का एप्लीकेशन है वो एक्सेस डिवाइस का लोकेशन मांगे तो आपको सिंपल यहाँ पे अलाउ कर देना, यानी कि ये आपका जो भी एक्सेस है, जो भी लोकेशन है, आप यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और मेरा नेम डाल के यहाँ पे मैं साइनअप कर लूँगा। देखिए दोस्तों, साइनअप की सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और नाम डाल के यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। अब जब आप मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा, तो OTP ऑटोमेटिक को ले लेगा और आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेलकम टू क्लास प्लस लाइट, वुड यू लव टू टेक एन टू शो योर अराउंड द ऐप, यानी कि अगर आपको इस ऐप को समझना है तो आप इसके मतलब डेमो भी ले सकते हैं। अगर आपको मालूम है तो आप सिंपल स्किप कीजिए तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब याद देखिए नेताजी कोचिंग मतलब मैंने जो भी क्लास का नाम डाला है यहाँ पे आ जाएगा। अब वॉच हेल्प वीडियो, यानी कि अगर आपको कोई भी वीडियोस देखने है, मतलब ये वेबसाइट ये प्लेटफॉर्म कैसे चलाने, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं है या फिर अपने स्टूडेंट्स को कैसे ऐड करें, इसके आप जो भी वीडियो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना है तो सिंपल आप स्टूडेंट्स को यहाँ से इन्वाइट कर सकते। अब ऐड फ्रॉम व्हाट्सअप, ऐड फ्रॉम फोन कॉन्टैक्ट्स, ऐड मैन्युअली, यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आप स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना चाहते हैं यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हैं। अब आपको नीचे ये होम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। जूम लाइव क्लास सेटअप इज सुपर फास्ट एंड ईजी, यानी कि आपको जूम पे यहाँ पे लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट योर फर्स्ट बैच, अगर आपको कोई बैच क्रिएट करने है तो आप यहाँ पे जो भी बैच है, ट्वेल्थ बैच, टेंथ बैच, इलेवंथ बैच, जो भी है, केमिस्ट्री बैच, जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और क्रिएट बैच पे आप सिंपल क्लिक कर सकते हैं। जब आप क्रिएट बैच पे क्लिक करेंगे तो आपका बैच का नेम तैयार हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल ऐड करना चाहते हो, स्टडी मटेरियल यहाँ पे ऐड कीजिएगा। देखिए ऐड स्टडी मटेरियल पे, ऐड कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी ऐड मटेरियल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे स्टूडेंट्स को कैसे ऐड करें, फिर से आपको ये कुछ प्लेटफॉर्म है, वीडियोज है, आप यहाँ पे मतलब ट्यूटोरियल ले सकते हैं। अभी आप देखिए नीचे ऑप्शन आएंगे क्विक एक्शन, यानी कि आपको क्रिएट बैच करने है, सेंड SMS नोटिस मतलब नोटिस देनी है, हेल्प सेंटर यानी कि सेंड नोटिस, जो भी आप यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ट्यूटर्स, जब आप कोई भी बैच तैयार करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए बैच स्टार्ट डेट एंड बैच कोड भी यहाँ पे, उसे कोई लेना देना नहीं है। अगर अगर बाद में कोई जरूरत पड़ती है तो हम
तो हम ए बैच कोड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐड स्टूडेंट्स, अगर कोई आपको स्टूडेंट्स को ऐड करना है सिंपल ऐड स्टूडेंट पे क्लिक कीजिए, आपके सामने ऑप्शन ओपन होकर आएंगे व्हाट्सअप का या फिर फोन कॉन्टैक्ट या फिर मैनुअली आप इस पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओर यानी कि आपके बैच में आप जो भी ओर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपके इस क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐड नहीं है तो आपके सामने ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाएगा। अगर आपको स्टूडेंट्स ऐड करने तो ऐड स्टूडेंट पे सिंपल क्लिक कीजिए। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो आप ये दो वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंपल स्टडी मटेरियल भी आप यहाँ से ऐड कंटेंट पे करके आप स्टडी मटेरियल यहाँ पे मतलब ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड, अगर आपको स्टूडेंट्स को कोई नोटिस देनी है एग्जाम के बारे में, टेस्ट के बारे में, असेसमेंट के बारे में, तो आप यहाँ पे क्रिएट नोटिस करके यहाँ पे नोटिस दे सकते हैं, ठीक है। अब होमवर्क, आपने बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को जो भी होमवर्क दे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ने जो भी होमवर्क किया है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब आगे चल के यहाँ पे वीडियोज पे हम क्लिक करते हैं, यानी कि अगर आपने कोई वीडियोस बनाए तो वीडियोस की आप यहाँ पे सिंपल ऐड वीडियोस पे क्लिक करके आप यहाँ पे वीडियोस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइव क्लासेस, अब लाइव क्लासेस में क्या करना है, नो लाइव क्लासेस है, यानी कि जो भी आप लाइव क्लासेस लेंगे वो लाइव क्लासेस यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। और आपको अगर ऑनलाइन जाना है यानी कि ऑनलाइन लाइव बच्चों को पढ़ाना है तो आप यहाँ पे गो लाइव का जो भी ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे जाइए, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप लाइव जा सकेंगे। अभी मेरे पास कोई भी स्टूडेंट नहीं, तो मेरे सामने ये जो भी प्लेटफॉर्म है मतलब ये इंस्ट्रक्शन आ रही है। अगर आपके कोई बच्चे ऐड हुए इसमें तो आप सिंपल यहाँ पे गो लाइव पे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फ्यूचर में कोई भी लाइव क्लास अटेंड करनी है या फिर शेड्यूल करनी है तो आप यहाँ पे शेड्यूल फॉर लेटर यानी कि बाद में भी आप इस पर यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ओवरऑल हो गया क्लास प्लस के बारे में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे इसलिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।